और देखिए पीएम नरेंद्र मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक सामने आ चुका है, वो पूरी जानकारी उसके हम आपको देंगे। पुरानी पेंशन योजना को लेकर जल्द हो सकता है बड़ा फैसला, केंद्र सरकार कर रही है ओपीएस को लेकर जबरदस्त होमवर्क। जी हाँ, देखिए इसको लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी बहुत ज्यादा हलचल चल रही है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं, वो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, जहां पर पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। पीएम मोदी जुट गए हैं 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी में, और जल्द ही कर्मचारियों के हित में केंद्र अब कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। जी हाँ, नई पेंशन योजना को रद्द करके पुरानी पेंशन लागू कर सकती है केंद्र सरकार। जानकारी सूत्रों के हवाले से जो सामने आई है उनकी माने तो इसको लेकर हाल ही में हुई वित्त मंत्रालय की गोपनीय बैठक, बैठक में पुरानी और नई पेंशन योजनाओं को लेकर मंथन हुआ है। केंद्र सरकार तलाश रही है ओपीएस के लिए वित्त की व्यवस्था के रास्ते, और पीएमओ से वित्त मंत्रालय को भी दिया जा चुका है आदेश। की बैठक में यह भी चर्चा की कैसे राज्य सरकारें ओपीएस से अब बना रही हैं अपना वोट बैंक। देखिए किस तरीके से ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल भी बहुत तेज थी, और खासतौर पर कांग्रेस केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का पूरा प्रयास भी कर रही थी। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि कुछ बड़ा फैसला केंद्र सरकार ओपीएस को लेकर कर सकती है, और इस एजेंडे पर वित्त मंत्रालय को काम करने के पीएमओ ने आदेश भी दे दिए हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक सामने आ चुका है पुरानी पेंशन योजना को लेकर के। देखिए अब इंतजार इस बात का क्या होगा, क्योंकि देखिए ओपीएस